दास जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। आप खोजेंगे तब तो कुछ हीरा मिलेगा। आपने देखा जंगलों में हम लोगों के यहाँ पृथ्वी के नीचे क्या नहीं है। थोड़ा सा खोदेंगे तो कोयला निकल जाएगा, थोड़ा और खोदेंगे लोहा निकलेगा, फिर और नीचे जाएंगे तांबा निकलेगा, और खूब नीचे जाएंगे हीरा निकलेगा, डायमंड निकलेगा। उस डायमंड ने बहुत तपस्या की होगी, लोहा की तपस्या और कोयले की तपस्या नहीं है, एक ही वस्तु को, वही कार्बन है सब, पूरा कार्बन। विज्ञान कहता है डायमंड भी हीरा भी तो कार्बन है, सब कुछ तो कार्बन है। तो कार्बन ऊपर आ गया, कोयला हो गया और नीचे चला गया। आप कभी विचार करेंगे डायमंड को डायमंड बनने में कितना समय लगा होगा, कितनी साधना की होगी।